ऑल राइट, सो यार ये गर्मियों के अंदर ना हमारे स्किन की बजती है बैंड, ऐसा समझ लो पूरी बारात निकलती है। हम लोग दिखना चाहते हैं विराट कोहली और हम दिख रहे होते हैं दानिश कनेरिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ है, मेरे साथ भी थी यार और बहुत सारे लोगों के साथ होती है। गर्मियों के अंदर ना स्किन इतनी ज्यादा थकी हुई दिखती है। लेकिन भाई साहब आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको 5 ऐसे इजी स्टेप्स बताने वाला है। अगर आप उस 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप नोटिस करोगे इतनी तेज गर्मी में भी ना आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फ्रेश, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, वहाँ पे जाओ, क्लिक करो, आप मेरे प्रोफाइल पे आओगे, मुझे फॉलो कर लेना और आपका जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कर लेना। तो अब सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में 5 बहुत ज्यादा इजी स्टेप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करोगे आप नोटिस करोगे आपकी स्किन ना धीरे 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 एकदम परफेक्ट बनती जा रही है। स्टेप नंबर 1 आता है कुछ हैबिट्स को एडॉप्ट करना, कुछ हैबिट सीखना। सबसे पहली हैबिट आती है उसके अंदर, जब भी आप अपने फेस को टच करो उससे पहले आपको अपने हाथों को वॉश कर लेना है, सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो, मुझे नहीं पता लेकिन आपको अपने हाथों को वॉश करना है। हैबिट नंबर 2 आती है, जब आप फेस वॉश करने जाओ ना उस वक्त भी आपको ये चीज करनी है, आपको अपने हाथों को वॉश करना है। बिकॉज कई बार क्या होता है हमारे तो में इतने सारे जर्म्स होते हैं और हम सीधा फेस वॉश लेते हैं और इस गलती की वजह से आपको एक्ने, आपको पिंपल बहुत आसानी से हो सकते हैं। तीसरी हैबिट आती है, आप एक रुमाल ले लीजिए अपने मुंह को साफ करने के लिए, कॉटन के रुमाल से आप अपने चेहरे को साफ कर लेना, उसके बाद उस रुमाल को आपको धो लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम यूज करोगे तो वो रुमाल एकदम धोया हुआ होगा, उसके अंदर सारे जर्म्स बैक्टीरिया कुछ भी नहीं होंगे। हैबिट नंबर 4 आती है, अपने नेल्स को ना प्रॉपरली कट करके रखो, बिकॉज इसके अंदर इतने सारे कीटाणु, इतने सारे जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं ना, अगर ये आपके पेट में गए तो भाई साहब लग गए। स्टेप नंबर 2 आता है फेस वॉश। हमारा फेस वॉश कैसा हो, जैसा मर्जी वैसा, नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा फेस वॉश ना ऐसा होना चाहिए जो हमारी स्वेटी, हमारी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम को रिमूव करे, हमारे डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम को रिमूव करे, हमारे पिंपल की प्रॉब्लम को रिमूव करे, हमारे डल स्किन की प्रॉब्लम को रिमूव करे, हमारे जो ओपन पोर्स है ना उनको कम करे। यार हर एक चीज रिमूव तो नहीं होगी ना, उनको कम करे, उनको श्रिंक करे, उन्हें छोटा करे। आपके भाई ने 1.5 साल से एक फेस वॉश यूज है जो हर एक मौसम में बहुत अच्छा है, लेकिन समर के अंदर ना मैंने आज तक जितने भी फेस वॉश यूज किए ना सबसे बेस्ट लगा है मुझे वो फेस वॉश है मुस्टैक का। अब मुस्टैक का फेस वॉश समर में बेस्ट क्यों है, इसके अंदर 2 ऐसी चीजें हैं। सबसे पहला आता है मेंथॉल, ये क्या करेगा आपकी स्किन को ना बहुत ठंडक वाला एहसास देगा। सेकंड इसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड जो आपके पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करेगा। गर्मियों में ना हमको ये 2 ही चीज रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज यार इतनी तेज गर्मी है ये सब होती है ना तो हमारे स्किन पे एक्ने बहुत जल्दी हो जाती है, सेकंड हमारी स्किन बहुत जल्दी डल हो जाती। तो मेंथॉल क्या करेगा आपकी स्किन को एनर्जेटिक बनाएगा, आपके फेस को भी एनर्जेटिक बनाएगा। मैं मुस्टैक के फेस वॉश के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह पा रहा हूं, बिकॉज़ यार मैंने इसको 1.5 साल यूज किया है ब्रो, 1.5 साल में मेरे को पता चल गया है इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रीमियम है और ये आपके बजट में बहुत आसानी से सेट हो जाएगा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा ना कि जब आप फेस वॉश करते हो आपका चेहरा कहीं से व्हाइट दिखता है, कहीं से कलर अलग दिखता है, तो ये प्रॉब्लम ना आपको ये फेस वॉश यूज करने के बाद नहीं होगी, आपका पूरा जो चेहरा है वो इवन टोन दिखने वाला है। मुस्टैक के फेस वॉश को यूज करना सुपर डुपर इजी है, आपको इसको 2 बार यूज करना है, एक सुबह जब आप नहाओ उस वक्त और एक रात को सोने से पहले आपको यूज करना है, ठीक है। आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले अपने चेहरे को आप वेट कर लीजिए, उसके बाद 5 ड्रॉप्स लीजिए इस फेस वॉश की और हल्के-हल्के हाथों से अपने चिक्स और अपने पूरे फेस पे मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में। 30 सेकंड तक आपको अपने गालों पे मसाज करनी है, उसके बाद जो 15 सेकंड है उसमें आपको अपनी चिन पे मसाज करनी है और आपके फोरहेड पे मसाज करनी है। इसके बाद जब 45 सेकंड हो जाए उसके बाद और एक्स्ट्रा 30 सेकंड के लिए अपने फेस के ऊपर रहने देना, सो दैट इसके अंदर जितनी भी अच्छी चीज है वो आपके फेस के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर पाए और फिर इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना। एक बार जरूर ट्राई करना मुस्टैक का फेस वॉश, ट्रस्ट मी आपके पैसे पानी में नहीं जाएंगे, बहुत ही पैसा वसूल प्रोडक्ट है। इसको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अब वहां पे जाके इसे खरीद सकते हो। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3 सनस्क्रीन। 50% ऐसे लोग हैं ना मेरे भाई जो ये यूज नहीं करते, या फिर ऐसे लोग हैं जो इसको ना एक मॉइस्चराइजर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। देखो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन इन दोनों के अलग-अलग काम है। सिर्फ एक मॉइस्चराइजर ना आपकी स्किन को सन डैमेज से नहीं बचा सकता, लेकिन अगर आप एक अच्छी सनस्क्रीन लेते हो तो ये आपके दोनों काम करेंगे, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देंगे और आपकी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट भी करेंगे। सनस्क्रीन यूज करना डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज हम हमारी स्किन के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, हम सारी चीजें सही से कर रहे हैं और फिर जब सन हमारी स्किन को डैमेज कर देगा ना ब्रो तो फिर यहां पे लगेगी
यहाँ पे। प्लीज इसे अपने डेली शेड्यूल के अंदर ऐड करो कि फेस वॉश यूज करने के बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी ही है। मैं पर्सनली आपको दो सनस्क्रीन रिकमेंड करता हूं। ये दोनों सनस्क्रीन ऐसी है ना, जो देखो सबसे पहले नॉन कोमेडोजेनिक है, मतलब इससे आपको पिंपल वगैरह नहीं होगी। सेकंड, इसके अंदर आपको अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, इन दोनों रेस से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तीसरा, इसके अंदर जो चीज आती है वो है कि ये आपको ना मैट फिनिश देगा। ये नॉन ऑयली है और मैट फिनिश देगा, गर्मियों में हमको ये चाहिए ना ब्रो। पहली है एक्ने यूवी एसपीएफ 30, दूसरी है रिक्विल की एसपीएफ 50। स्टेप नंबर 4, वीक में दो बार आपको फेस मास्क अप्लाई करना है। कौन सा वाला अप्लाई कर सकते हो? या तो देखो आप पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी ले लो, या फिर आपके नॉर्मल एरिया के अंदर अगर कोई नीम पाउडर मिल रहा है ना, तो आप उसको और मुल्तानी मिट्टी, इन दोनों को मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हो। ये पता है कैसे काम करेगा? अगर आप मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पे लगाते हो ना हफ्ते में दो बार, तो क्या होगा, ये आपके डार्क स्पॉट को कम करेगा, ठीक है, आपकी जो पिंपल है ऑब्वियसली उनको भी कम करेगा, आपके जो पोर्स की साइज है ना उनको रिड्यूस करेगा, आपका जो स्किन टोन है ना उसे इंप्रूव करेगा, आपको एक रेडिएंट स्किन देगा। इसके अलावा आपकी स्किन के अंदर जितनी भी गंदगी है ना उसको खींच के बाहर निकाल के फेंक देगा। तो आपको हफ्ते में दो बार इसे जरूर यूज करना है। एक चीज ध्यान रखें, इसे सुबह के टाइम ही यूज करना है। स्टेप नंबर 5, हमारी स्किन ना रात को बहुत अच्छे से हील होती है, बहुत अच्छे से रिकवर होती है, जितने भी डैमेजेस हुए होते हैं ना वो रात को बैठ के रिपेयर करती है। तो आपको रात को ऐसी चीजें देनी ना अपनी स्किन को जिससे वो रिपेयरिंग की प्रोसेस और ज्यादा स्मूथ हो सके। देखो दो चीजें बता रहा हूं, सबसे पहली चीज जिसकी नॉर्मल स्किन है ना, जिनको पिंपल विंपल की प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप एलोवेरा जेल लो, रात को जब भी आप फेस वॉश कर लो उसके बाद आपको एलोवेरा जेल लगानी है और आपको सो जाना है, ठीक है। हो सके तो कोशिश करना घर पे नेचुरल जो आप एलोवेरा उगाओ आप वही जेल यूज करो। सेकंड, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन क्या होती है, मतलब जिनको पिंपल होते रहते हैं, आपको क्या करना है, आपको गुलाब जल लेना है, फेस वॉश करने के बाद अपने चेहरे पे गुलाब जल अप्लाई करना है और आपको सो जाना है। ये यूज करोगे ना तो इतनी कमाल की स्किन दिखने वाली है ना आपकी, आप भी बोलोगे यार काफी सही टेक्सचर हो गया स्किन का। ये थे वो 5 इजी स्टेप्स, जिनको आप फॉलो करोगे ना तो आपको एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट स्किन मिलने वाली है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों में से दबा के शेयर कर दो। अगर अपने सवाल पूछना चाहो तो आप या तो कॉमेंट बॉक्स में जा सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।